गाइस, बालों से रिलेटेड कई लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, जिसमें कि बाल झड़ना, टूटना, रूसी होना, दो मुंह, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें, कैसे करें, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक ऐसा हेयर ऑयल बताएंगे जो कि आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं, घर की रखी चीज़ों से बना सकते हैं, और ये इतना इफेक्टिव है कि आपके बालों के लगभग सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी। आपके बाल टूट रहे हैं, पतले हैं, मोटे नहीं हो रहे हैं, या फिर आपके बाल ऐसे होते हैं कि काफ़ी रूखे रहते हैं, ड्राई रहते हैं, बिल्कुल चमक हो गई है, बालों की कोई भी प्रॉब्लम हो, इस तेल से आपके बालों की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो ये ऑयल कैसे बनाना है, तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, होममेड हेयर ऑयल बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना होगा लोहे की कढ़ाई। अगर लोहे की कढ़ाई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जोन सा है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या करें, गैस ऑन कर दीजिए। इसके बाद सबसे पहले इसमें हम डालेंगे कोकोनट ऑयल। मैंने ये आधी कटोरी से थोड़ा सा कम लिया है, क्वांटिटी ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नाप के लेना है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसके बाद हमें लेना होगा सरसों का तेल। सरसों का तेल हम लेंगे नारियल तेल से दो गुना, यानी कि अगर आपने आधी कटोरी नारियल का तेल लिया है तो एक कटोरी आप सरसों का तेल लेंगे। मैं यहाँ पे प्योर सरसों का तेल ले रही हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे एक प्याज। प्याज हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो प्याज को कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से, और इसको हम डाल देंगे ऑयल में। आपको ऐसा नहीं कि तेल गर्म करना है फिर डालना, नहीं, तेल डाला उसके बाद सीधा प्याज डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें डालेंगे जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं सबसे पहले डाली हूँ करी पत्ता। आप चाहें तो 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, जितना आपका मन करे आप ले सकते हैं, 15, 20, 30। ठीक है, ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ तुलसी के पत्ते, ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है। क्या क्या फायदा होता है मैं आपको आगे बताऊंगी, सभी के फायदे बताऊंगी। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है नीम का पत्ता। नीम का पत्ता आपको बहुत ही आसानी से मिल ही जाएगा, तो आप उसको ले सकते हैं और इसमें डाल दीजिए। ये भी आप 20 चीज डाल लीजिए, उतना बहुत है। अब देखो जी, इनमें से अगर आपके पास कुछ उपलब्ध नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपका ऑयल नहीं बनेगा, तब भी बन जाएगा। ठीक है, तो जो है वो डाल दीजिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। अब हम डालेंगे इसमें मेथी दाना। मेथी दाना हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप केवल मेथी दाना लगाओगे ना तब भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। तो 2 चम्मच मेथी दाना डालेंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। ठीक है, मतलब ये है कि ये हमें 10 से 15-20 मिनट पकाना पड़ेगा, तभी अच्छे से जो है ना आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा चलाते रहिए, क्योंकि अभी हमने पत्ते वगैरह डाले हैं ना, तो इस वजह से झाग वगैरह इसमें बनेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इस में चलाते रहिए, और आपका जो फ्लेम है लो रहना चाहिए, हाई कर देंगे तो सब बुरी तरीके से जल जाएगा और बेकार हो जाएगा। इसे लो फ्लेम पर आराम से पकने दीजिए, और तेल में जो भी चीज़ें हमें डाली हैं उनका फ़ायदा आने दीजिए। सो फ्रेंड्स, ऑयल बनते बनते हम इनके फायदे भी जान लेते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल। यह आपके ना बालों के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, बालों की मरम्मत करता है, मॉइस्चराइज करता है। यह ड्राई स्कैल्प के लिए काफ़ी अच्छा होता है और आपके बालों को टूटने से भी बचाता है। दूसरा है हमारा सरसों तेल, जो कि हमारे जो स्कैल्प होते हैं ना उसका ब्लड सर्कुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, बालों की कंडीशनिंग करता है, हेयर ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, और अगर किसी को दो मुहे बाल की प्रॉब्लम हो गई है तो उसकी भी रोकथाम करता है, और ये ड्राई हेयर के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसके बाद हमने इसमें डाला था करी पत्ता। करी पत्ता आपके स्कैल्प को बहुत सारे पोषण देता है, बालों को बढ़ने में आपकी मदद करता है, बालों को चमक देता है, बालों को काफ़ी ज़्यादा शाइन कर देता है। इसके बाद नीम के पत्ते, ये आपके डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा रहता है, खुजली की प्रॉब्लम हो गई है, एलर्जी है, पपड़ीदार स्कैल्प है, कई बार हो जाता है ना खुजली कर करके, या फिर रूसी की वजह से आपके ना पपड़ी जम जाती है, तो उसको क्लीन कर देता है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है उसके लिए फायदेमंद होता है। आपके बालों की लंबाई ना बहुत तेजी से बढ़ाता है, सफ़ेद बालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक, इसके बाद हमने डाला था मेथी दाना। यह आपके बालों के लिए ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, और यह डैंड्रफ को हटाने के लिए, हेयर फॉल के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। बालों को मोटा करने, घना करने और खूबसूरत बनाने के लिए आप मेथी दाना का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने डाला था प्याज। प्याज आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है, पता है, ये ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और ये आपके बालों की ना रूट्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है और उसी की प्रॉब्लम भी खत्म कर देता है। और हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट था तुलसी के पत्ते। यह आपके स्कैल्प को काफ़ी हाइड्रेट करता है, बालों की ग्रोथ तेजी से होती है इससे, और बालों की सफाई के लिए यानी कि डैंड्रफ के लिए जो भी गंदगी होती है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये सारी चीज़ें हम डालेंगे और अच्छे से उसको पकने देंगे 15 से 20 मिनट तक, और उसके बाद इसमें ना आपका देखेंगे कि धीरे धीरे ये ब्राउन होने लग गया है, फिर ये डार्क हो जाएगा, और जब आपका 15 से 20 मिनट हो जाता है, बिल्कुल आपको लगता है कि सभी चीज़ काली काली सी हो गई है, तो गैस को ऑफ कर दीजिए और उसके बाद आप इसको छान लेंगे। अब देखो जी, बिल्कुल गरम गरम छानेंगे तो सही नहीं रहेगा, तो कोशिश करें कि हल्का गुनगुना हो जाए, उसके बाद आप इसको छान सकते हैं, और
दबा दबा के सारा इसका जो है ऑयल बाहर निकाल लीजिए और इसको आप लगाइए। सो गाइस, हमारा ये ऑयल रेडी है, अब इसे हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने से पहले आप ये चेक कर लेना कि इसमें कोकोनट ऑयल है तो वो जम जाता है। जम जाता है तो आप डबल ऑयल में इसे थोड़ा सा हल्का गुनगुना कर सकते हैं। अगर नहीं जमता है तो आप इसे ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी हम इसे इस्तेमाल करने के लिए क्या करेंगे ना, कोई भी आप एक कटोरी लेंगे और इसमें हम कॉटन लेंगे, क्योंकि कॉटन हम जो अप्लाई करने वाले हैं वो स्कैल्प पे करने वाले हैं, ठीक है। स्कैल्प पे ही ऑयल सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। सो गाइस, ऑयल अप्लाई करने से पहले क्या करेंगे ना, हम बाल में अच्छे से कॉम कर लेंगे ताकि ये उलझे ना। और ऑयल का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ कि हमें ना ऑयल अप्लाई करने के लिए हमें बालों का डिवाइड करना होता है ताकि हम इसे जड़ों में लगा सकें। तो इस तरीके से कॉटन की सहायता से हम इस ऑयल को लगाएंगे ताकि इसमें ऑयल काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और ये हमारे स्कैल्प पे बहुत अच्छे से जाए। ये देख सकते हो आप, इस तरीके से आपको पूरे बालों पे लगाना है और इस तरीके से बालों को डिवाइड कर करके लगाना है। सो फ्रेंड्स, पूरे स्कैल्प लगाने के बाद हमें इसको अपने पूरे बालों पे लगाना है और इसके बाद हमें इसे लगभग 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। आप चाहें तो पूरी रात के लिए छोड़ सकते हैं, इससे आपको और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप इसको वीक में 2 बार लगाइए और जब आप इसे 4 बार लगा लेंगे ना तो आपको खुद ही बहुत ज़्यादा फर्क देखने को अपने बालों में मिलेगा। तो बस इतना ही है दीदी, बस इतना ही नहीं है। इसके बाद गाइज, आप लोगों को किसी अच्छे शैम्पू से शैम्पू कर लेना है और अपने बालों को अच्छे से ड्राई भी कर लेना है। उसके बाद आप रिजल्ट देखना, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और ये तेल भी काफ़ी अच्छा आपके बालों पे रिजल्ट देगा, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है आप हमें कमेंट करके पूछिए, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे होम रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर, जय श्री राम, जय श्री राम।